आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और कच्चा नारियल मार्केट में खूब आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कच्चे नारियल की मिठाई। तो ये हमारा कच्चा नारियल है, बिल्कुल मलाई वाला। इसको हम मलाई मलाई नारियल की निकाल के हम मिक्सर जार में ग्रेट कर लिए हैं। इसको खूब महीन महीन हम पीस लिए हैं मिक्सर जार में डाल करके। अच्छा सा महीन सा पेस्ट बन गया है, क्योंकि ये नरम मलाई वाला नारियल था हमारा, इसलिए पेस्ट बनाने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। बहुत बढ़िया सा स्मूथली पेस्ट हमारा बन गया। अब इसमें हम फुल क्रीम वाला दूध डालेंगे, यानी कि जिसमें हम पका हुआ दूध था हमारा, उसमें मलाई भी थी, मलाई वाला दूध हम डाल दिए हैं। एक से डेढ़ गिलास दूध था हमारा और एक कटोरी हमारा नारियल का पेस्ट था। नारियल भी हमारा मलाई वाला था। अब इसको हाई फ्लेम पर हम इसको उबलने देंगे धीरे धीरे करके। ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इसको ऐसे ही चलाते हुए हम उबालते हैं। ज़्यादा सख्त वाला नारियल लेंगे तो वो थोड़ा सा उसका पेस्ट जो है स्मूथ नहीं आता है, रूखा रूखा रहता है। ये हमारा मलाई वाला नारियल है तो इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट आया है। बहुत अच्छी मिठाई बनने वाली है हमारी। तो इसमें हम एक ही कटोरी चीनी डाल देते हैं। एक से डेढ़ गिलास हमारा मलाई सहित दूध था। एक कटोरी बड़ी कटोरी में हमारा नारियल का पेस्ट था और एक कटोरी हमारा शुगर हो गया। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिए हैं अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए। दोबारा से हम इसको उसी तरह पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पर कर दिया है। चीनी मेल्ट होने तक हम इसको घुमाते रहेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, चीनी हमारी घुल गई है, बैटर गाढ़ा हो गया है, पक गया है हमारा। अब इसको हम गैस बंद करके नीचे उतार लेते हैं, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हम ट्रे को घी से ग्रीसिंग कर लेते हैं। हमारा बैटर ठंडा हो गया है, अब इसको इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बैटर को पूरा। एक घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। टैप टैप करके इसको हम बराबर कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे इसकी। ये हमारा तैयार हो गया है, इसको फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देते हैं। तो हमारा एक घंटा हो गया है, अच्छी सी मिठाई हमारी सेट होके तैयार हो गई है। अब इसमें हम सिल्वर वर्क से गार्निशिंग कर देते हैं। तो यह हमारी टेस्टी सी मिठाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करिएगा। तब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप मलाई वाले नारियल की मिठाई बना करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी मलाई वाले नारियल की बर्फी।